नहीं, मैं इस साबुन से ना अपने इस अच्छे कपड़ों को नहीं धुलूंगी। अगर इस साबुन से धुलूंगी तो इतनी जल्दी ये साबुन खत्म हो जाएगी, और अगर इतनी जल्दी साबुन खत्म हो गई तो अभी नई साबुन लेकर आना पड़ेगा, और नई साबुन लाएंगे तो फालतू में पैसे जाएंगे। ऐसे ही धुल लेती हूँ मैं तो। अरे ये क्या किया मैंने, ऐसे तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं तो इन्हें ना ऐसे ही पानी से ही धुल के डाल देती हूँ। अरे सोनम, ये कैसी स्वेटर धोली है तुमने? देखो कितना मैल लग रहा है इसमें, कितनी गंदी हो रही है ये। अरे ढंग से धुलती हूँ ना मैं कपड़े, आप ना आपकी आंखें खराब हो गई हैं। जाओ जाकर आंखों का ऑपरेशन करा के आओ, मुझ पर ब्लेम करते हो कि मैं अच्छे कपड़े नहीं धुलती। अरे देखती हूँ कहीं इसमें कुछ मुझे डला हुआ मिल जाए, कहीं रुपए मिल जाए मुझे डले हुए, या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़। और अगर कोई सोना डला हुआ मिल गया तो मैं तो रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी। कुछ मिल जाए सोने का कोई। आ, 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 मेरा पैर, आ, पता नहीं क्या चुभ गया मेरे पैर में, कितना दर्द हो रहा है। आ, उफ, आ, उफ, अरे क्या हुआ तुमको? अरे वो क्या है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत तेज दुख रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, डॉक्टर को बुलवा लो। हेलो, अच्छा डॉक्टर को बुलवा लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, हो जाएगा काम, एक मिनट अभी आता हूँ मैं। अरे अभी डॉक्टर को बुलवाएंगे तो मुफ्त में डॉक्टर इतने सारे पैसे ले लेगा, और अगर पैसे ले लेगा तो फिर मेरी बचत कैसे होगी, और अगर मेरी बचत नहीं होगी तो फिर मेरे पास मेरी गुल्लक में पैसे इकट्ठे कैसे होंगे। एक काम करती हूँ मैं ना, एक दो दिन ऐसे ही देख, अगर मेरा ये घाव ठीक हो गया ना तो फिर मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको सहन कर लेती हूँ। मेरा पैर, मैं इसको सीधा क्यों नहीं कर पा रही, इतना सा काटा और इतना सारा दर्द। आ, 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 अरे भाई क्या हुआ, अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? हाँ। तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे वो अरे वो क्या है, डॉक्टर को मैंने वो। अच्छा बहुत हो गया, ठीक है ना, अब नहीं चलेगी तुम्हारी ये कंजूसी, समझी ना तुम? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इस कंजूसी की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर हम मर जाते हैं ना तो एक सुई तक ऊपर रख के नहीं ले जाते, समझी ना तुम? अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हाँ, इतनी बचत करके क्या करोगी तुम? हम कमाते किस लिए हैं? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। आज के बाद ठीक है ना, कंजूसी कर मत लेना तुम, ठीक है? अभी फोन लगाता हूँ डॉक्टर को, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ घर पे आ जाइए आप, हाँ जल्दी, ठीक है, आ रहे हैं डॉक्टर साहब, दिखा लेना उनको पैर दोनों।
जल्दी से ना इसे अपने पर्स में रख लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फालतू में ना 10 रुपए की बोतल भी हाथ लग गई कोल्ड ड्रिंक के साथ। मैं ना इन चप्पलों को ही निकाल देती हूँ और नंगे पैर चलती हूँ, फिर मेरी चप्पलों की भी बचत होगी और ज्यादा दिन तक चलेंगी। खुद हो करके ना मक्की की रोटियां बनाऊंगी मस्त सरसों के साग के साथ। ले जाती हूँ, मेरे मुफ्त के 10 रुपए भी बचेंगे मक्का खरीदने के। अरे बेटा ये कोलगेट तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, फालतू में अभी मुफ्त का ये तुम कोलगेट से ब्रश करोगे तो 20 रुपए की हर महीने के कोलगेट का खर्चा होगा। ये क्या तुम है ना एक लाइन में एक एक लाइन लिख रही हो, तुम्हें ना इतनी दूर दूर अच्छे नहीं लिखना चाहिए, इन्हें बिल्कुल पास पास में लिखो। इधर दो। अरे नहीं मम्मा। अरे दो ना, मारूंगी नहीं तो दो इधर। पर मम्मा बुआ जी हमें देखेगा ही, आप ले लिया करो ना बुआ जी से। मैंने ना बहुत गलत किया कंजूसी करके, अब से ना मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगी। अगर हम अपने लिए ही खर्च नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आज टाइम है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तब करेंगे? अब मुझे ये बात समझ में आ गई और अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और दोस्तों आप भी ना कभी कंजूसी मत करना, नहीं तो आपका ये देखा मेरा पैर कितनी तेज लाल हो रहा है, आपका भी इसी तरीके से हाल होगा। गाइस तो आप भी कभी कंजूसी मत करना, हम नहीं करते, हम भी नहीं करते कभी कंजूसी। गाइस तो हम दीदी ने कंजूसी की थी, कौन का पैर है? लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। गाइस इन्हें तो मुझे मार डाला, पर आप कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि आप कंजूसी करोगे तो फिर बुढ़ापे में खर्च करोगे या बच्चों को टांग के। गाइस मुझे खाना भी नहीं दिया था। और गाइस मेरे 60 रुपए चढ़का लिए थे, गाइस देख गई थी करोड़। नहीं गाइस वीडियो में चढ़काए थे, मेरे बुआ देकर गई थी मुझे। हां गाइस, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, आपको कपिल की ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगती है कि निखिल की एक्टिंग अच्छी लगती है? कपिल की लगेगी गाइस। अरे ऐसी बात नहीं, कपिल तुमको लड़की के रूप में जानते हैं सब लोग। गाइस कपिल की ही लगेगी। So guys, अब इन गाइस कमेंट में बताना मेरे लड़की में क्या नाम रखें। हां गाइस ठीक है गाइस, क्या सोचा था ना। हां फ्रेंड्स निखिल, अरे निखिल मेरे लगे में क्यों दे रहे हो यार, लग रही है। सो गाइस कमेंट में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, कपिल का कुछ नाम सोचने वाले हैं। कपिल को जब भी हम कभी लड़की बनाएंगे तो कपिल का एक सिलेक्टेड नाम हम चूज करने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि विच नेम शुड आई यूज सो हम लोग कपिल का यूज कर सके। निखिल का तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं बारहवीं। सो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यार निखिल व्हाट इज दिस। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए क्या करना है? बाय।